आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री स्टडी पर। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। ठीक है, तो कल की क्लास जो थी उसमें मैंने बताया था आपको रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक्स। ठीक है, बेसिक बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, और मैंने बताया था किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के ऑप्शन आएंगे, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से चीजों को याद रखते हैं, इस तरीके से चीजों को याद रखते हैं जिससे आप क्या करो, ऑप्शन देखो और ऑप्शन को देखकर टिक लगा सको। ठीक है, ऑन द स्पॉट ऑप्शन देखो, अगर आपको हल्का फुल्का भी याद नहीं है तो ऑप्शन देखकर उसको टिक कर सको। ठीक है, ये तो मैं बता चुका था आपको। ठीक है, बेसिक करा दिया था मैंने। एक और कहा था कि रेजिस्टेंस का एक पार्ट और रह रहा है जिस पर क्वेश्चन बनता है, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मेरे को करेक्ट कर देना, विशिष्ट ही प्रतिरोध कहते होंगे। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। तो ये तो सब हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब विशिष्ट प्रतिरोध देख लेते हैं किस तरीके से हम पढ़ने वाले। देखो क्या होता है, किसी भी कोई भी धातु होता है, कोई भी मेटल होता है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रतिरोध जरूर होता है। ठीक है, वो किसी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप वुड ले लो, वुड जो होता है उसके अंदर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर करंट फ्लो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप प्लास्टिक ले लो, उसमें भी ज्यादा होता है, तभी वो किसका काम करता है, तभी वो इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, और क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो वही हम बात कर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा ही हो जाता है ना, इनफिनाइट मान लो या बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होता है, वो इंसुलेटर का काम करता है। जिसके अंदर थोड़ा कम होता है, थोड़ा इंसुलेटर होता है और थोड़ा कंडक्टर का मिक्सचर होता है, उसको हम सेमी कंडक्टर टाइप बोल देते हैं। वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम रेजिस्टेंस पर फोकस करते हैं। और रेजिस्टेंस के अंदर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसके अंदर हम फोकस करते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम फोकस करते हैं। देखो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो या तो पी मान लो या तो लैम्डा मान लो। ठीक है, इक्वल टू वो होता क्या है, आर इंटू ए अपॉन लेंथ। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट है वो भी याद रखनी है। यूनिट कैसे याद रखनी है, देखो ऊपर क्या भाई, ओम है तो ऊपर आएगा ओम इस तरीके से, और क्रॉस सेक्शन ए क्या है, ए मैं लिख देता हूं यहां पर, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये भी एक सेकंड में बताता हूँ। कोई भी वायर है, वायर अगर हम उसको सामने से देख रहे हैं तो वो एकदम गोल होता है। ठीक है, बगैर ठोके पीटे की बात करूं, ठोक पीट के तो वो कैसा भी शेप ले सकता है, गोल होता है, मतलब सर्कल होता है, ये नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता, सर्कल होता है बिल्कुल राउंड शेप का। उसका जो अंदर का ये क्रॉस सेक्शन भाग ये होता है, ये जो अंदर का एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो अंदर का है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जब ये सर्कल है, देखो अगर ये बाहर की बात करता तो इसका जो फॉर्मूला होता 2πr हो जाता, क्या होता 2πr। ठीक है, हम कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात। देखो एक तो होता है पेरीमीटर, ठीक है, सरकम सर्कल। ठीक है, उसमें क्या होता है, कितना तुम मीटर तार लपेट सकते हो। एक होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अंदर का एरिया, तो वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों ही स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी कर लो इनको, ठीक है, दोनों को एक ही आर रखना है। अगर ये स्मॉल है तो मैं इसको भी स्मॉल ही कर देता हूँ। ठीक है, अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा वो ए है, तो एरिया क्या हुआ हमारा, जो आर है, देखो पाई की वैल्यू है 3.14 ले लो, फिक्स्ड है, पाई की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है पाई की वैल्यू, 3.14। या हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, हम जो ये पाई की वैल्यू है वो 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, वो अलग बात है, बात जो मैं यूनिट समझाने की बात कर रहा हूँ वो समझना है।
ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है। अब जो आर स्क्वायर है, आर क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस किस त्रिज्या कहते हैं हिंदी में, ये कैसे नापा जाता है, अगर ये पूरा मीटर में होगा तो ये क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो यूनिट आएगी पूरी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया की वो क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, अगर हम सब मीटर में ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, नॉर्मली मीटर स्क्वायर में ही माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इसकी यूनिट क्या हुई भाई, ए की वजह से, क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से यहां पर मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, अपॉन क्या है, अपॉन है लेंथ, लेंथ किस में नापी जाती है, लेंथ भाई मीटर में नापी जाती है, तो ठीक है यहां पर क्या हुआ, मीटर हुआ। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, 1 मीटर से एक, यहां पर ऊपर कितने, 2 मीटर है, नीचे 1 मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका, ओम तो बचेगा बचेगा, प्लस मीटर भी बचेगा। तो इसकी जो यूनिट हुई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट भी पूछी जाती है, डायरेक्ट यूनिट, तो ओम, और क्या हुआ, ओम मीटर में हुआ। ठीक है, ओम अपॉन मीटर में नहीं हुआ, ओम मीटर में हुआ, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब रेजिस्टेंस को हम इधर लेकर के जाते हैं, रेजिस्टेंस जब इधर जाएगा तो पी अपॉन आर हो जाएगा, और यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा हमारा ए अपॉन एल, ये हो गया हमारा ए अपॉन एल, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। अब इन दोनों को पलट देते हैं, अब देखो जब पलटेंगे तो भाई दोनों ही पलटेंगे। ठीक है, और एक जो फॉर्मूला लास्ट में निकलेगा उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन पी, आर अपॉन पी, और ये हो जाएगा आपका एल अपॉन ए। ठीक है, अब क्या होगा, हम पी को ऊपर भेज देते हैं, मतलब पी को इक्वल टू को सेट भेज देते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो मैंने ये बता दिया आपके पास, ये हो गया, एक सेकेंड, आपको एक फॉर्मूला तो मैंने ये बता दिया कि एक फॉर्मूला हो गया आपके सामने ये, इसको याद रखना है, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला आपके सामने ये हो गया, ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला मैं यहां पर कर रहा हूं इंट्रोड्यूस आपके लिए। ठीक है, वो क्या होगा, वो देखिए, ये हम इजकल टू के इधर भेजेंगे तो एल की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इजकल टू, ठीक है, आर इजकल टू एल, इसको हम लैम्डा बोल दे, पी बोल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इस शेप, इस तरीके की शेप होता है, और ये हमारा एरिया हो जाता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस की बात हो गई है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर हमें जब भी निकालना हो, और हमें क्या क्या दिया हो, हमें दिया हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हो, लेंथ दी हो, अगर एरिया दिया हो, तब हम रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि उस धातु का रेजिस्टेंस कितना है, उस धातु में रेजिस्टेंस कितना है। मान लीजिए आपका 1 मीटर का, 1 मीटर का आपका, 2 मीटर का आपका वायर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बताता है वो कितना मोटा है कितना पतला है वायर जो है। मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया 1 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का आपका क्या हुआ, ये लेंथ होगी आपका 2 मीटर, मान ली 2 मीटर का आपका तार है, वो मोटाई कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया से हम बताते हैं उसका 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताएं, उसका कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर होता है, हर एक धातु का कुछ ना कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वही एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 4, 4 क्या है, 4 मीटर ओम है, तो यहां पर हम जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो क्या आएगा, देखो मीटर ओम से मीटर ओम कट जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 मीटर है, यहां पर 1 मीटर इसमें, 1 मीटर इसमें, मीटर से मीटर कट गया, तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यहां पर ओम बचेगा, जो कि आएगा 8 ओम, 8 ओम यहां पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सभी के समझ में आ गया हो, ना आए हो कमेंट करना, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब ये तो यहां पर हमारा हो गया,
अब फॉर्मूला आपको एक ये याद रखना है, जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो इस तरीके से याद रखना है, और जब सीधा रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो इस तरीके से याद रखना है। अब याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं इसको आसान बनाता हूँ, ठीक है। जब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, जब भी विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, तो ये मान कर चलना है कि हमेशा जो एरिया होता है, मतलब जो ए होता है, वो ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि ए अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहले आता है और एल आता है बाद में, तो एल को रखा जाएगा नीचे, ठीक है। यानी कि हमेशा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो ए अपॉन एल याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाए तो हमें ए अपॉन एल याद रखना है, एक बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन देखते के साथ ही कैसे टिक करना है वो मैं बता रहा हूं यहां पर। एक ये, जैसे अगर रेजिस्टेंस पूछे, तो रेजिस्टेंस जब पूछता है तब हमें क्या करना है, भाई रेजिस्टेंस पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या बताया था भाई ने बताया था कि एरिया अपॉन एरिया ऊपर रखना है, लेंथ नीचे रखना है, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में ए पहले आता है, ठीक है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, एल ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, बस इतना दिमाग में होल्ड करके रखना है। जब भी क्वेश्चन पुटअप करने जाओगे आपके सामने, देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब ये जब मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, यहां पर आप देखोगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और डायरेक्ट पूछ लिया गया है क्रॉस सेक्शन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध डायरेक्ट मतलब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है, डायरेक्ट पूछ चुका है। और देखो आर और ए और एल का रिलेशनशिप देखिए, जब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा गया है तो ए अपॉन एल है, और जब भी रेजिस्टेंस का पूछा जाएगा, मैंने यहां पर क्या बताया, जैसी रेजिस्टेंस का पूछा जाएगा वैसी इसका उल्टा हो जाएगा, तो एल यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया। ये आप कहोगे यार सर ये कैसे याद रखें, हल्का याद रखने के लिए इसलिए कह रहा हूं, ऑप्शन जल्दी से टिक कर पाओ, ठीक है, टाइम बचे। अब थोड़ा बढ़ता हूं आगे, और इसमें से आपको लगभग समझ में आ गया होगा, मैं मान करके चल रहा हूं, अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं इसको समझा दूंगा और अच्छे से, ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं कुछ बढ़िया से। देखो क्वेश्चन पूछा गया होता है काफी जगह, हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा अगर हम लेंथ को तो कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, लेंथ को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन खींच देता हूं, लेंथ के साथ हम कांस्टेंट कर देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी, ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है, 2x कर देता हूं, 2x का मतलब डबल हो जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको मेरे को रेजिस्टेंस बताना और कमेंट करके बताना है। देखो जिसको भी हल्की फुल्की दिक्कत आ रही हो ना समझने में या कैसे भी दिक्कत आ रही हो, एक पहली बात तो ये पहली वीडियो देख लेना, ठीक है, रेजिस्टेंस वाली। दूसरी बात ये, अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो क्या होता है, देखो जब भी समझ में ना होता तो क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए, क्वेश्चन जितना ज्यादा पूछोगे उतनी ज्यादा आपकी क्लियरिटी होगी। अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना तो आप सबसे ज्यादा बुद्धू हो, अगर क्वेश्चन पूछने के बाद आप ये समझते हो कि आप बुद्धू हो तो आप बुद्धू नहीं समझदार हो, ठीक है। तो अभी मैं बढ़ता हूं आगे, आपको रेजिस्टेंस बताना क्या होगा, ठीक है, आपको लेंथ दे दी, 2x दे दिया, क्या होगा इसका वो आपको बताना है, आपको दे दिया भाई ये, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या होगा क्या होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला पुटअप करते हैं, ठीक है, लेंथ हमें कांस्टेंट कर दिया, लेंथ कांस्टेंट कर दिया, हमारा एरिया 2 है, मतलब दुगना हो रहा है, अगर ये दुगना हो रहा है स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर होता है, आपने याद रखा होगा मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर होता है, ये एक अलग बात हो गई है। एरिया अगर डबल हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि तो मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अच्छा क्या हो रहा है, अगर डबल हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, अगर दुगना हो रहा है तो क्या होगा,
इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन का मतलब है ऊपर वाला तो कांस्टेंट हो गया, नीचे वाला बचा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया दो की स्पीड से बढ़ेगा दुगना होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में होता है तो इस वजह से क्या होता है, अच्छा ये स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में होता है, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, अगर ये दुगना हो रहा है तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो दुगनी स्पीड से क्या होगा, कम होगा। जो हमारी रेजिस्टेंस है वो भी दुगनी स्पीड से कम होगा। अब ये कम और ज्यादा क्यों होगा, दुगनी स्पीड से होगा, तो यहाँ पर मैं टू लिख देता हूँ। देखो किस तरीके से हुआ है, यहाँ पर कल मैंने बताया था, अगर जैसे ही इजकल टू के सामने इजकल टू रहता है, जैसे इजकल टू मैं मान लेता हूँ एल है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या कहा मैंने, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। इजकल टू का मतलब ये हो गया। अगर अपॉन में है, अपॉन में क्या है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये होता है अपॉन का अंतर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन होता है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और चलो इसको समझ गए होंगे, बढ़ता हूं आगे। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लेते हैं आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट में खेलना सिखाया है, इसलिए आपको पॉइंट में खेलना आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको पॉइंट में खिलाएगा, और वहां अगर आप खेल नहीं पाए ना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो खेलना जरूरी है, खेल खेल के समझते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान लीजिए आपको निकालना है, क्वेश्चन है ये आपके लिए, और रेजिस्टेंस जो है आपका, रेजिस्टेंस है आपका 0.5, और वहीं आपका एरिया है, एक सेकेंड, एरिया हम ले लेते हैं यहां पर, टेन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट लिखना जरूरी होता है, वैसे लिख देता हूं मैं भी, क्योंकि तो यूनिट में ही खेलना है आपको, ठीक है। ये है आपका ओम में, और यहां पर जो लेंथ आपको दी गई है लेंथ आपको दी गई है वन किलोमीटर, और जल्दी से इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताना है, ठीक है। ऑप्शन मैं यहां पर दे देता हूं, कैलकुलेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, पचास ओम किलोमीटर, यहीं पर खेलना है, मेन यहीं पर खेलना है, ठीक है। असली खेल तो इसी में ही है, यूनिट में, मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेगा, यूनिट में खेलना सीखिए, ठीक है। और मैं यहां पर देता हूं आपके लिए, अब मजा आएगा खेल में, ठीक है। ये भी आपका किलोमीटर में हुआ, और सी है आपके लिए 50 ओम मीटर। देखो अगर वीडियो स्लो हो तो फास्ट करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डी है, ठीक है, जीरो, ठीक है, पॉइंट फाइव ओम, और ये हो गया आपका मीटर।
अब जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें खेलना बहुत जरूरी होता है, यूनिट में खेलना बहुत जरूरी होता है। एक क्वेश्चन ये है, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, ऑप्शन मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, इतने आप ये कैलकुलेट करो, ठीक है। अब यहां पर ही मैं दे देता हूं एक आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, आर दिया हुआ है आपको, सॉरी जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव किलो ओम, ठीक है, वहीं आपको एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपको लेंथ जो दी गई है वो भी आपको दी गई है 0.001 किलोमीटर, और आपके लिए देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, वो भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, फिर मैं कराऊंगा। ऑप्शन बना देता हूँ, इतने ए ए हो गया भाई आपका 5 मीटर, 5 ओम मीटर या 5 मीटर ओम, बी हो गया आपका 5 ओम किलोमीटर। ये वो क्वेश्चन है जिनसे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन कराने को बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, मगर जरूरत आपको उन क्वेश्चनों की जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में हो सके, ठीक है। मेन जो है पेपर है, पेपर में आपके क्वेश्चन पुटअप हो सके, और वो उनकी मेजॉरिटी ये रहे, एक्यूरेसी ये रहे कि वो सही होने की गुंजाइश उसमें ज्यादा हो, ठीक है, तो उस पर मैं काम करा रहा हूं, तो वो बात याद रखनी है आपको, ठीक है। सी आपके लिए करता हूं मैं, ठीक है, सी हो गया, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, ठीक है, ठीक है, और मैं यहां पर कर देता हूं 0.5 ओम, और ये हो गया आपका मीटर में, ठीक है। यहीं पर आपको करता हूं मैं डी भी देता हूं, ठीक है, ये देता हूं 0.05 ओम, और ये हो गया आपका किलोमीटर में, आप। अब देखो इनमें कंफ्यूजन बहुत तरीके से हो सकती है, मीटर किलोमीटर, यार इधर भी डिजिट सेम है, कैसे होगा। अगर जिसने कल की वीडियो देखी हो, पॉइंट में खेलना सीखा हो, उसे पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करना है। ये मैंने क्वेश्चन अभी बनाए हैं आपके सामने, मगर इसी तरीके के क्वेश्चन डीएमआरसी, मतलब जितने भी टेक्नीशियन लेवल के पेपर होते हैं, उन सब में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से होंगे। आई होप इन सभी के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। बाकी मैं स्टार्ट करता हूं, बताना आप सभी को, कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ठीक है, और थोड़ा बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर्मूला, पहले दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला किस तरीके से दिमाग में आएगा वो देखो। फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से, पी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, पी तो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, और मैंने बताया था हमेशा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में ए ऊपर आएगा और एल क्या आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में सॉरी ए ऊपर होता है, मतलब ए पहले आता है और एल बाद में आता है, ठीक है, कॉमन सेंस।
फिर अब आर कहाँ लगाएं? देखो कॉमन सेंस की बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब पूछा जाए तो उसके सामने हमेशा रेजिस्टेंस होता है, आर यहाँ आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये हमेशा इक्वल में है, ये हमेशा क्या है इक्वल में है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एरिया मतलब रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में यानी इक्वल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, एक बात ये याद रखनी है। दूसरा आपको ये याद रखना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जहां पूछा जाए वहां एरिया अपॉन एल होता है, अल्फाबेटिक सीरीज में ए पहले आता है एल बाद में आता है, इतना याद रखना है। इतने बाद मैंने कह दिया है ना, ये आप याद भी नहीं रखोगे ना तब भी आपके दिमाग में ऐसा सेट है, आप ऑप्शन देखते ही टिक करोगे, हटाओगे, खेल खत्म करोगे वहीं पर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको वहीं के वहीं क्लिक कर जाएगा क्योंकि ए ऊपर एल नीचे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के सामने आर होता है, इतना याद, बात खत्म, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, देखो एरिया क्या दिया हुआ है, चलो एरिया जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। एरिया दिया हुआ हमारा 10 भाई, ठीक है 10 लिख लिया। हमारा आर कितना दिया है, आर दिया है मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.5 क्या ओम, ठीक है भाई। अब मैंने कल क्या बताया था क्वेश्चन करते समय, कल मैंने आपसे ये बोला था कि यूनिट को सेम करना है, यूनिट को क्या करना है सेम करना है। अब मैंने यूनिट को सेम करना कहां से बताया था, मैंने कि ऑप्शन में देखना है पहले, यूनिट को किस तरीके से सेम करना है ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में पूछा गया है, ऑप्शन में देखोगे आप किलोमीटर भी पूछा गया है और मीटर भी पूछा गया है। अब बंदा यही कंफ्यूज कि मीटर में कन्वर्ट करूं या किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, तो आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, पहले मीटर में खेलना सीखिए, पहले मीटर में कन्वर्ट फिर किलोमीटर में, ठीक है, फिर पूरे को ही किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये किलोमीटर है, किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक यूनिट थी बड़ी 1000 का नोट, उसमें से एक एक के सिक्के कितने हुए थे, 1000 हुए थे, उससे मैंने याद करना सिखाया था क्या करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करना, ठीक है। वैसे 1 किलो मीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, मैं 1000 यहां पर लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो क्या होगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद 1 0 है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई भी तो होगा, ठीक है। इससे हम ये काटेंगे, ठीक है, नीचे कितनी बची, 3 0। अब मैंने क्या बताया था, नीचे जितनी डिजिट होंगी उतना पॉइंट के बाद ऊपर डिजिट आनी चाहिए, नीचे 3 0 है तो ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, तो क्या होगा आंसर, क्या आएगा, 0.005, ठीक है। यहां पर एक गलती मैंने ये कर दी है कि 1 0 लगाना मैं भूल गया हूं, ठीक है, ऑप्शन बनाते हुए, ऑन द स्पॉट ऑप्शन बना रहा था, तो यहां पर 1 0 मिस हो गया, मैं यहां पर बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये आपका जो आंसर आया है वो 0.05 क्या आया है, वो आंसर आया है आपका, एक सेकेंड, 0.05, 0.05 ओम मीटर में, क्योंकि तो हमने किलोमीटर को किस में, मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे वाला देखते हैं, देखो आज की क्लास में बस यही करना है, बस इनमें क्वेश्चन बनते किस तरीके से वो देखना था, क्योंकि मैं बता चुका हूं, अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा मतलब कोशिश करूंगा समझाने की। और इस वाले क्वेश्चन को देते हैं, देखते के साथ ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अच्छा ए ऊपर आएगा, अच्छा ए ऊपर आएगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के सामने हमेशा क्या आता है, आर आता है, तो आर आपने वैसे की वैसे लिख दिया। वो भाई ने बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जैसे याद आए वैसे आपको याद ही आना चाहिए, अल्फाबेटिक सीरीज में ए ऊपर होता है और एल नीचे रहता है, ठीक है। तो ए हमने ये बना दिया और एल हमने कर दिया नीचे, तो ये बन गया फॉर्मूला। ये ऑन द स्पॉट आप याद करोगे तो याद नहीं होगा, अभी मैंने इतना सा कह दिया है ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड में ट्रिगर मतलब सेव हो गया है, जब आप
इसको देखोगे तो ये एकदम से ट्रिगर होगा और आपका आंसर सही होगा, ठीक है। कुछ चांसेस रहेंगे काफी ज्यादा, 99% चांसेस रहेंगे क्वेश्चन आपका सही हो, ठीक है। फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद हो गया है, ठीक है। अब कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पर दिया है किलो ओम, ओके सही बात है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी किलोमीटर में दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं है, मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या मैंने बताया, पहले मीटर में खेलना है, फिर किलोमीटर में बाद में हम कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हम करते हैं। बस पेन का कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, और ये हमने कर लिया। आप देखो आर कितना दिया हुआ है, 0.005, देखो 0.005, ठीक है, ठीक है, 0.005 दिया है। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें करना है इसको ओम में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो होगा क्या, आइए वो समझते हैं। अगर 0.0 मेन मकसद है इसमें यूनिट में खेलना, क्योंकि अब क्वेश्चन इस तरीके से बनने लगे हैं, जो कि क्या होता है ऑन द आपको देखने में इजी लगेगा ये, ठीक है। ऑप्शन भी इजी लग रहा है देखने में और क्वेश्चन भी, यूनिट में फर्क है, तो ये आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं करोगे इस तरीके से। अटेम्प्ट करोगे तो लास्ट में करोगे, मगर टाइम बहुत कंज्यूमिंग करेगा और चांसेस रहेंगे गलत हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उसी तरीके से सेट किए जाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को इजी वे में फटाक से करना है, ठीक। 0.05 है और ये क्या है, किलो ओम में है। अगर मैंने आपको बताया था कि जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगी वो क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। नीचे आ जाएंगी, पेज यहीं तक है क्या, हाँ नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ, यहाँ से ये हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, डिजिट कितनी है पीछे पॉइंट के बाद की, 3 डिजिट है, तो 3-0 यहाँ पर आ गए। मगर ये क्या है, किलो ओम में है। अगर हमें ओम यानी कि छोटी डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप कॉमन सेंस लगाओ, 1000 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लग गए तो नीचे भी तो भाई 1000 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी नहीं है आपको, ठीक है। देखोगे 0. पहले ये देखोगे पॉइंट के बाद कितनी है, 1, 2, 3 डिजिट है, यानी कि नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा, और यहाँ पर किलो ओम है, यानी कि ओम में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई 1000 से करनी पड़ेगी, यानी कि डिवाइड में 1000 है और मल्टीप्लाई भी 1000 से करनी है, तो 1000 से 1000 यहाँ पर कट जाएगा। और ये आपको दिमाग में काटना है, कॉपी पेन लेकर के नहीं काटना है, ठीक है। ये आपने जैसे ही दिमाग में काटा तो सिर्फ बचेगा 5, ये बचेगा 5, और वही 5 जो है वो हो जाएगा आपका ओम, यानी कि 0.005 किलो ओम का मतलब होता है 5 ओम। तो इस तरीके से इजी वे में कर पाओगे आप, और दिमाग में कोशिश करनी है, एक दो बार कोशिश करनी है, 2-3 बार कोशिश करनी है, फिर क्या होगा आपके दिमाग में इजीली कैलकुलेशन फटाक से होगी, फटाक से। वैसे इस तरीके से देखो, 0.001 है, 0.005 है, यानी कि नीचे क्या होगा, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 1000 नीचे आएगा। अगर किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 ऊपर 1000 नीचे, 1000 से 1000 कटेगा, क्या बचेगा, 1 मीटर बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1 मीटर। अभी कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब 5 ये दे दिया है और आपको ये दिया है 1, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे और डिवाइडेड बाय क्या है, 1 है, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 5 मीटर ओम में आएगा। तो 5 मीटर ओम में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट आंसर होगा। तो वो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको दिमाग में करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके दिमाग में, यार कैसे कैलकुलेशन करूँ, कैसे डिजिट को याद करना सीखूँ, ठीक है, डिजिट कैसे याद रहेगी, अभी मैंने 5 लिया था, अब मेरे को ये लेना जोड़ दिया, फिर ये भूल जाओगे कि पहले वाली डिजिट क्या थी। तो ये कब होती है, ये जब होती है जब आप मतलब रोज थोड़े 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन को दिमाग में करने की, ठीक है। और दिमाग में जब आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे तो वो क्या होगा, डिजिट को होल्ड करना सीखेगा। सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि डिजिट को होल्ड कर सको कुछ देर के लिए दिमाग में, ताकि प्लस करते समय पहली वाली डिजिट ना भूल जाओ, या मल्टीप्लाई करते समय पहले की डिजिट ना भूल जाओ, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक्स हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही आपको याद रहा, फॉर्मूला आपके दिमाग में फीड हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर में क्या फॉर्मूला फीड होता है, आप डिजिट डालते हो, प्लस करते हो और आंसर आ जाता है, उसी तरीके से आपके दिमाग में ये मैंने फीड करा दिया है। इनपुट हमने दिया है आपके दिमाग को कि ये डिजिट आर की है, ये डिजिट ए की है, ये डिजिट एल की है। आपने इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट कैसे किया, 0.001 किलोमीटर है, भाई ने क्या बोला था,
पॉइंट के बाद तीन डिजिट है तो पॉइंट हटाओ, तीन डिजिट की जगह नीचे तीन जीरो लगा दो तो नीचे हजार आ गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यानी कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये बात भी याद रखनी है कि नीचे हमने पॉइंट हटाने के बाद 1000 लिया था, और जब 1000 लिया था तो 1000 ऊपर है 1000 नीचे, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 1000 से 1000 तो कट चुका है ना भाई, 1000 से 1000 कट चुका है, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो एक ये 1 जो बचा उसको माइंड में होल्ड रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन होल्ड कब करोगे, जब होल्ड कब रखोगे, जब रोजाना प्रैक्टिस करोगे इस चीज की। तो ये आपने 1 होल्ड रखा, फिर 0.05, अच्छा ये तो इसी के जैसा लग रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, ये तो इसी के जैसा लग रहा है, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस, ठीक है। या तो फिर उसी तरीके से कर लो, पॉइंट के बाद तीन डिजिट हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, मगर ये तो किलो ओम में है भाई ने, किलो ओम में भाई ने कहा था 1 किलो ओम में इजकल टू 1000 ओम होते हैं, अच्छा ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 1000 कर देते हैं, मगर 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, उससे पहले ये सोचना नीचे 1000 में तो ले रखा है, 1000 से 1000 कटेगा 5 आ जाएगा, यानी कि अब आपको क्या एक्चुअल डिजिट मिल गई है जिस पर फॉर्मूला पुट अप करना है। अब आपको 5 मिल गया, 1 है ही पहले से एरिया में, और लेंथ 1 मिल गई है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पुट अप करना है, रेजिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करके लेंथ निकालनी है। देखो क्वेश्चन में कम करा रहा हूँ, मगर जो कंसेप्चुअल नॉलेज है जिससे आप और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो वो बताने की मेरी कोशिश मेन है, ठीक है। जिससे आप देखो पढ़ा तो सभी रहे हैं, क्वेश्चन आप कहीं पर भी जाके करोगे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मगर जो बताने का तरीका, समझाने का तरीका, चीज़ों को याद रखने का तरीका है, वो मैं समझाने के नई तरीके की, मतलब मेरे एक नया तरीका है पढ़ाने का जो मैं इसमें कर रहा हूँ, जिससे आप चीज़ों को याद कर पाओगे, और जो पेपर को अटेम्प्ट करने की स्पीड है, क्योंकि अब जो है सीटें कम है, लोग ज़्यादा हैं तो लोगों की मेहनत ज़्यादा है, तो एक्यूरेसी, तो अब क्या होगा, एक्यूरेसी, जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी वो उतना ज़्यादा आगे निकलेगा, तो वही मेन एक्यूरेसी पर ले जाने का आपके लिए मतलब बता रहा हूँ मैं। तो यही था आज की वीडियो में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ और कमेंट करो आपस में, कुछ नहीं आता क्वेश्चन लाओ नए नए तरीके से। आप अगर ITI को हो तो ITI के साथ साथ जो पॉलिटेक्निक का भी क्वेश्चन आ रहा उसको भी करो, उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है। और आप एक दूसरों से क्वेश्चन पूछोगे तो उससे आपका सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क के साथ आप दूसरों से कुछ नई चीज़ें सीख सकोगे। तो बात करो, क्वेश्चन करो और मौज करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।